हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डाउट क्लासेस। फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउट क्लासेस में। तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से। तो इसमें जो है वैकेंसी आई है, ये जो है HURL आपका जॉइंट वेंचर है कोल इंडिया लिमिटेड NTPC IOCL FCIL एंड HFCL का। तो फ्रेंड ये है हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो डिप्लोमा के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी डेट है, तो वो हम पूरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये है हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो ऑनलाइन डेट है वो है आपकी 3 तारीख और अगस्त महीना, तो और लास्ट डेट जो है वो आपकी 16 अगस्त। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 16 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट पेमेंट की भी आपकी 16 ही अगस्त है। तो फ्रेंड ये जो ये है इम्पोर्टेंट डेट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड ये है इसका पूरा नोटिफिकेशन जो आज ही रिलीज हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें 2 कैटेगरी की वैकेंसी है, एक फ्रेशर के लिए और दूसरी एक्सपीरियंस बेस्ड। तो दोनों ही प्रकार की वैकेंसी हैं, फ्रेशर भी एलिजिबल हैं और दूसरी जो टाइप कैटेगरी है वो एक्सपीरियंस बेस्ड, ये भी यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेशर के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो फ्रेशर की अगर हम बात करें तो देखिए केमिकल की यहाँ पोस्ट हैं 39, जिसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल मांगा गया है। अगर हम बात करें मैकेनिकल की तो मैकेनिकल की यहाँ पर 21 पोस्ट हैं और जिसमें आपका 3 ईयर मैकेनिकल से डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे 15 वैकेंसी हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैं 15 वैकेंसी, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा मांगा गया है। अब हम बात करें फ्रेंड एक्सपीरियंस वेज, तो एक्सपीरियंस वेज अमोनिया यानी कि केमिकल से डिप्लोमा मांगा गया है, इसकी काफ़ी वैकेंसी हैं। उसके बाद यूरिया, ये भी सारी केमिकल से ही वैकेंसी हैं, कुछ मैकेनिकल की वैकेंसी हैं, मिक्स वैकेंसी हैं, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो फ्रेंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो किसी वैकेंसी में 5 साल का, किसी में 10 साल का, किसी में 5 साल का, तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें BA BSc, तो यहाँ भी एक्सपीरियंस कुछ मांगा गया है, उनकी भी वैकेंसी हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट की हो गया, तो ये है आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर की वैकेंसी हो गया जिसमें BA BSc मांगा गया है। तो फ्रेंड अगर हम फ्रेशर की बात करें और टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी हैं, जिसमें एक्सपीरियंस वेस्ड भी हैं और आपकी फ्रेशर के लिए भी काफ़ी वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छा चांस है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम चलिए इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में देखिए फ्रेंड वही है 3/8/2021 स्टार्टिंग डेट है और 16/8/2021 इसकी लास्ट डेट है। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जल्दी से जल्दी जाइए और आप अपना रजिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें फ्रेंड एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी वो है ₹300 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी जाइए और तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस वही है फ्रेंड, आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी खबर है, जल्दी से जल्दी जाइए और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, नई रिक्रूटमेंट है, काफ़ी जॉइंट वेंचर है IOCL, सारी PSU का जॉइंट वेंचर है, बड़ी बड़ी PSU इसमें इन्वॉल्व है। आप देख पा रहे होंगे IUCL NTPC CIL FCIL HFCL, तो काफ़ी अच्छा जॉइंट वेंचर है ये, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जल्दी से जल्दी जाइए और इसको अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।